हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम कार्लसन टूर फाइनल 2020 जो कि chess24.com इंटरनेट पर खेला जा रहा है, उसके फाइनल की। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो फाइनल खेला जा रहा है वो मैग्नस कार्लसन और हिकारू नाकामुरा के बीच। और फ्रेंड्स, इस फाइनल का फर्स्ट सेट सरप्राइजिंगली, नॉट सरप्राइजिंगली, हिकारू नाकामुरा बेस्ट प्लेयर में से हैं इस समय वर्ल्ड के। फर्स्ट सेट हिकारू नाकामुरा ने जीता, जिनमें टोटल फर्स्ट सेट में 4 गेम खेली गई थी। पहली गेम ड्रॉ रही थी, दूसरी हिकारू नाकामुरा जीते थे, तीसरी और चौथी दोनों ड्रॉ रही थी। तो 1.5 पॉइंट थे मैग्नस कार्लसन के, वहीं 2.5 पॉइंट्स थे हिकारू नाकामुरा। तो फ्रेंड्स, इसी फर्स्ट सेट के सेकंड राउंड की आज की हमारी गेम है, जो कि गेम की शुरुआत जहाँ शुरू की थी मैग्नस कार्लसन ने d4 के साथ, तो Nf6 यहाँ हिकारू नाकामुरा ने किया। c4 e6 Nf3 d5 देन Nc3, और गेम की कंपोजिशन कंप्लीटली क्वींस गैम्बिट Dxe4 होने के बाद एक्सेप्टेड में ट्रांसपोज हो गई e4। और अब यहाँ ब्लैक क्या कर सकता है? आई थिंक Bb4 विंडो इंडियन डिफेंस की तरफ जा सकता था, लेकिन यहाँ किया b5 पहले। देन b5 करने के बाद तो नाइट बड़े ही आराम से यहाँ पॉन को एलिमिनेट कर सकता है, लेकिन e5 यहाँ पहले वाइट ने किया। नाइट को हटाना ही होगा, ये नाइट गया d5 स्क्वायर पर आस्किंग फॉर नाइट एक्शंस, लेकिन कार्लसन को क्या जरूरत पड़ी नाइट एक्शंस को एक्सेप्ट करने की, उन्होंने यहाँ किया नाइट एक्सप्ट। तो नाइट b6 अपने c4 पॉन पर डिफेंस किया a3, देन नाइट c6 स्क्वायर पर बिशप e3, तो नाइट a5। और यहाँ मेरे ख्याल से थोड़ी देर तक इस c6 पॉन c4 पॉन पर गेम का पूरा फोकस रहने वाला है। क्वीन c2 एज ऑब्वियस, a6 यहाँ पहले नाइट पर अटैक बना, तो नाइट गया वापस c3 स्क्वायर पर। कुछ देर के लिए यहाँ इस पॉन से प्रेशर हट चुका है। बिशप e7 देन रुक d1, बिशप b7 तो रुक बिशप e2, क्वीन d7 h4 बिशप c6, और गेम जिस तरह से यहाँ खराब हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि दोनों साइड्स में से कोई भी खिलाड़ी गेम को कैसल की तरफ लेके जाएगा, खासकर जब कार्लसन ने अपने रुक को h3 स्क्वायर पर प्लेस किया। रुक d8 देन रुक g3, और अब ये गेम किस तरह से आगे बढ़ सकती है। आई थिंक नाका यहाँ g6 के ऑप्शन को कंसिडर कर सकते थे, और करना चाहिए था शायद, प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉर्ट आउट होती है। लेकिन यहाँ बिशप a4 पहले नाकामुरा ने किया, और इतना स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं है फ्रेंड्स, अभी नजर नहीं आता है स्ट्रॉन्ग अटैक। आपको बातों ही बातों में कुछ इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स बताना है। यहाँ इस गेम में आने वाले समय में ये b3 स्क्वायर काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर ये जैसे ही बिशप यहाँ क्वीन और उसके बाद रुक पर अटैक बनाने पहुंचा है, तो यही होगा नाइट टेक्स ए, क्वीन टेक्स ए फोर आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज। और अगर यहाँ क्वीन एक्सचेंज होती है तो नाइट के लिए काफी पॉसिबिलिटीज खुलती हैं, नाइट कहीं जाता है। मेरे ख्याल से ब्लैक का अटैक काफी एडवांस रहेगा। रुक c1, और कार्लसन ने यहाँ नाकामुरा को ही बोला कि आप ही क्वीन एक्सचेंज करें, लेकिन नाइट b3 के बाद यहाँ कार्लसन काफी प्रॉब्लम आ गई है, रुक पर अटैक बना रहे। और अब यहाँ क्या किया जाए, व्हाट अबाउट, क्या रुक बचा लिया जाए? अगर यहाँ रुक बचाया जाता है, चलिए छोड़िए फ्रेंड्स, वही देखते हैं जो इस गेम में हुआ था। यहाँ रुक टेक g7 कार्लसन ने किया, और एक्सचेंज अप होने का मौका ब्लैक को दिया। नाइट टेक c1, क्वीन टेक c1 देन c3, तो क्वीन टेक c3 और उसके बाद नाइट b5 स्क्वायर पर दोबारा क्वीन पर अटैक बना, क्वीन b1 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक c3 एफ टेक c3। और फ्रेंड्स, जिस तरह से मेटल एक्शन किया जा रहा है, नाकामुरा की प्लानिंग क्लियरली यही है कि किसी भी तरह से यहाँ जल्दी से जल्दी मेटल एक्शन को इक्वल किया जाए और गेम को एंड गेम की तरफ लेकर जाए, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। और अब गेम किस तरह से आगे बढ़ सकती है, आई थिंक c7 पॉन का क्या किया जा सकता है, c5 स्क्वायर पर इस पॉन को लिया जाए। लेकिन यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं तो मुझे नहीं लगता कि गेम में कोई बहुत ज्यादा खतरनाक कुछ होने वाला है, नाइट g5 जैसा कोई मूव चला जा सकता है। ये छोड़िए फ्रेंड्स, इस वेरिएशन को डिस्कस करना उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। यहाँ नाकामुरा ने अपने किंग को f8 स्क्वायर पर लिया था, रुक पर अटैक बनाया था, तो रुक गया g4 स्क्वायर पर, देन क्वीन b3, और क्वीन के b3 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स पॉन पर अटैक बनता है, तो क्वीन टेक्स e7, क्वीन टेक्स b2। और अगर मैं बात करूं गेम में एडवांसमेंट की, तो दोनों ही खिलाड़ी हुई क्वीन एक दूसरे की टेरिटरी में फिलहाल एंटर कर चुकी है, ठीक है, f2 स्क्वायर पर, और यहाँ इस e3 पॉन पर डिफेंस है, लेकिन इतना अटैक स्ट्रॉन्ग नहीं था। ये क्वीन b7
आस्किंग पर क्वीन एक्सचेंज, लेकिन क्वीन ए फाइव यहाँ भी क्वीन एक्सचेंज नहीं की, बल्कि ए सिक्स पॉन पर कार्लसन ने काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर बढ़ा दिया है। रुक जी एट तो रुक एफ फोर स्क्वायर पर, और कार्लसन ने अभी रुक भी एक्सचेंज नहीं की। क्वीन सी टू तो क्वीन डी टू स्क्वायर पर, एच सिक्स, क्वीन डी थ्री तो रुक बी जी सेवन स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स ए सिक्स, क्वीन टेक्स ए सिक्स, बिशप टेक्स ए सिक्स, देन रुक बी टू चेक, बिशप ई टू, देन बिशप टेक्स ए थ्री। और अब यहाँ अगर हम मटेरियल वाइज पोजीशन वाइज ठीक है, यहाँ कार्लसन दो पॉन्स अप हैं, लेकिन एक ही फाइल में दो पॉन्स हैं फिलहाल यहाँ पर वाइट को। जी फोर यहाँ पहले कार्लसन ने किया, देन बिशप गया ई सेवन स्क्वायर। और अब व्हाट अबाउट दिस क्वीन, किंग एफ वन माइट भी किया जा सकता था, लेकिन रुक ई फोर पहले यहाँ कार्लसन ने किया, देन रुक जी एट, रुक एफ फोर, देन रुक जी सेवन, किंग जी सेवन सॉरी। और जिस तरह की गेम चल रही है, मुझे नहीं लगता कि कार्लसन बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ खास करने देंगे नाकामरा को, लेकिन फिर भी जी फाइव, एच टेक्स जी फाइव, और अब एच टेक्स जी फाइव होने के बाद शायद कार्लसन रुक को जी फाइव में लाने के ऑप्शन को भी कंसिडर कर सकते थे, वो भी पॉसिबिलिटी थी और अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। लेकिन नाइट टेक्स जी फाइव, देन बिशप टेक्स जी फाइव, और अभी भी मुझे लगता है रुक जी फोर हो सकता था, किंग एच सिक्स चल छोड़े। यहाँ एच टेक्स जी फाइव पहले कार्लसन ने किया, और एक माइट भी शायद ये पासर के रूप में निकल सकता था, पर नहीं, इतना नहीं होता। रुक एच एट स्क्वायर पर पहले यहाँ ब्लैक ने किया, और यहाँ नाकामुरा की प्लानिंग क्या है फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं। चेक देकर बिशप पर अटैक बनाने की, तो पहले ही यहाँ कार्लसन को अपने किंग को मूव करना होगा, किंग गया एफ थ्री स्क्वायर पर, देन रुक एच थ्री चेक, और इस चेक के बाद थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, किंग जी फोर यहाँ करना ही पड़ा कार्लसन को, देन रुक टेक्स सी थ्री, और एक पॉन का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉन का जो एडवांटेज था वो कार्लसन के हाथों से निकल गया। बिशप एफ थ्री, देन रुक डी टू स्क्वायर पर, क्या ये रुक डी थ्री, इस पॉन पर तो अटैक बनता, बैटरी तैयार होगी ही होगी। रुक डी टू स्क्वायर पर यहाँ नाकामुरा ने किया, देन किंग एच फोर स्क्वायर पर, तो रुक एट ई गोज टू डी थ्री, पॉन पर प्रेशर बनना ही था। डी फाइव, ई टेक्स डी फाइव, और पॉन की जो लीड थी कार्लसन के हाथों से वो यहाँ निकल चुकी है, लेकिन उन्होंने भी यहाँ बड़े स्मार्टली दो आइसोलेटेड पॉन क्रिएट करवा दिए हैं, लेकिन रुक की बैटरी, दो रुक सेक्शंस डाउन, तो ईजी नहीं रहने वाली लाइफ यहाँ कार्लसन की। रुक एफ सिक्स यहाँ पहले वाइट ने किया, देन रुक ई थ्री स्क्वायर पर, और यहाँ फिर दोबारा उसी पॉन पर अटैक बनाया है, तो अब क्या किया जाए, रुक किंग जी को, रुक टेक्स सी फाइव हो जाएगा ऐसा हुआ तो रुक एफ फाइव पहले वाइट को यहाँ करना ही पड़ा, देन रुक डी फोर चेक, किंग एच फाइव स्क्वायर पर, बिशप पर थोड़ा प्रेशर तो है, रुक बी फोर, देन ई सिक्स, एफ टेक्स ई सिक्स, और जो एक वीकनेस थोड़ी देर पहले अभी क्रिएट हुई थी यहाँ वो खत्म हो चुकी है नाकामुरा की गेम में। दो कनेक्टेड पॉन्स तैयार हो चुके हैं, रुक पर अटैक है तो रुक में करना होगा, रुक गया एफ सिक्स स्क्वायर पर, देन रुक ई फाइव, और यहाँ पॉन को पिन किया है, रिपीटेड चेक्स भी आएंगी, चलिए देखते हैं। रुक जी सिक्स चेक कार्लसन ने किया, देन किंग एफ सेवन स्क्वायर पर, रुक एफ सिक्स चेक, किंग ई सेवन स्क्वायर पर। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी तरीका होगा वाइट के पास इस पॉन को फ्लोटिंग स्क्वायर तक पहुंचाने का, देखते हैं। रुक एच सिक्स स्क्वायर पर लिया जा सकता था, लेकिन अब ज्यादा कुछ फास्ट पर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ किंग एच सिक्स पहले वाइट ने किया, तो रुक बी एट, रुक एफ फोर, देन रुक एफ एट स्क्वायर पर, रुक टेक्स एफ एट, किंग टेक्स एफ एट, और दैट्स इट। और प्रमोटिंग स्क्वायर तक कभी भी ये पॉन नहीं पहुंच पाएगा। इवन वाइट के पास लाइट स्क्वायर्ड बिशप है यहाँ इस जी एट पॉन के जी एट स्क्वायर तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये बिशप आखिर पहुंचेगा कब तक, बहुत देर लगेगी। किंग जी सिक्स अगर मान लो वाइट यहाँ करेगा भी तो क्या होगा, डी फोर पॉन दिक्कत ही नहीं होगी मेरे ख्याल से ज़्यादा। यहाँ जी सिक्स पहले वाइट ने किया, देन किंग या जी एट स्क्वायर पर, जैसा कि मैंने जब पहले कहा था कि बिशप कभी भी यहाँ इस जी एट स्क्वायर तक टारगेट लगा ही नहीं पाएगा, तो जी सेवन, दैट्स इट आई थिंक। और वैसे तो गेम यही एंड कर देनी चाहिए थी, लेकिन नाकामुरा का फाइनल मूव था रुक को ई वन स्क्वायर पर ले जाने का, और यहाँ इस मूव के बाद कार्लसन ने रिजाइन कर दिया, करना भी पड़ेगा। रुक बिशप मूव होगा, किंग मूव होगा, जो भी होगा, रुक जी वन चेक ही होगा, किंग जाएगा एफ सिक्स स्क्वायर पर, देन रुक एफ वन, बिशप पिन हो चुका होगा, किंग टेक्स ई सिक्स होगा भी तो रुक टेक्स एफ थ्री, किंग टेक्स डी फाइव, रुक की लीड, रुक एस थ्री स्क्वायर पर, कुछ भी नहीं होगा। किसी भी तरीके से यहाँ इस पॉइंट से हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो कुछ ज़्यादा खास मिलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स
हैं। अभी तो इस कार्लसन टूर फाइनल के फाइनल का फर्स्ट सेट हुआ है, दो सेट अभी होने बाकी हैं, तो गेम किसी भी तरफ जा सकती है। लेकिन नाकामुरा काफी होल्ड करके खेले, उन्हें जब मौका मिला इवन ब्लैक पीसीज के साथ उन्होंने कार्लसन टूर बनाया, और इस लीड को उन्होंने बाकी के दो मैचेस तक बरकरार रखा, अपनी लीड को मेंटेन रखा और फाइनली फर्स्ट सेट उन्होंने अपने नाम किया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।